ओल्ड ब्रिटिश राज की राजधानी रही कोलकाता में संगमरमर की एक विशाल और चमचमाती इमारत है जिसका नाम है विक्टोरिया मेमोरियल, जो कि एक मुगल स्मारक है और विक्टोरियन युग के समय को बताती है। सफेद मकराना संगमरमर में बनी इस इमारत को इंडो सैरसेनिक रिवाइवलिस्ट स्टाइल में डिजाइन किया गया है। इसकी संरचना ताजमहल जैसी दिखाई देती है, जिसके कारण इसे राज का ताज भी कहा जाता है। इसे भारत और यूनाइटेड किंगडम की महारानी विक्टोरिया के जीवन का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था, जो उस समय ग्रेट ब्रिटेन की महारानी थी और भारत पर भी शासन किया था। कोलकाता में स्थित ये इमारत 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज सफेद संगमरमर में मौजूद इस इमारत को कभी काला कर दिया गया था, जिसका कारण हम आपको बताने जा रहे हैं। साल 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भले ही भारत सीधे तौर पर युद्ध का हिस्सा नहीं था, लेकिन जापानी वायुसेना ने कोलकाता पर बमबारी शुरू कर दी थी। दिसंबर 1942 में शहर में पहली बार बमबारी हुई। उस समय जापानी सेना हवाई हमले रात में किया करती थी, क्योंकि ब्रिटिश रक्षा प्रणाली दिन के समय ज्यादा ताकतवर हुआ करती थी। सेना की चपेट में आने से बचाने के लिए लोगों ने सब कुछ मोटे काले कागज से ढकना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि स्ट्रीट लाइट, कार की हेडलाइट, खिड़कियों को भी काले रंग में रंग दिया गया था। यहाँ तक कि हावड़ा ब्रिज का उद्घाटन भी छुप छुपा कर किया गया था। अब चुनौती विक्टोरिया मेमोरियल को बचाने की थी। सफेद संगमरमर से बनी 184 फीट की ऊंचाई वाली इस सुंदर इमारत को कैसे बचाया जाए, इस पर काफी विचार किया गया। और फिर जापानी सेना के आक्रमण से छुपाने के लिए विक्टोरिया महल को मिट्टी और गोबर की मिश्रण की मदद से काला कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार अपने इस खुफिया प्लान को किसी भी कीमत पर लीक नहीं करने देना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने शहर के स्थलों के आसपास फोटोग्राफी पर रोक लगा दी। विक्टोरिया मेमोरियल बनने से पहले इस जगह पर प्रेसिडेंसी जेल बनी हुई थी। ये जेल वो जगह थी जहां ब्रिटिशर्स के राजनीतिक कैदियों को महामहिम की खुशी में रखा गया था। प्रेसिडेंसी जेल में बंद कुछ कैदियों के नाम श्री अरबिंदो सुभाष चंद्र बोस थे। उनके नाम पर कोलकाता एयरपोर्ट का भी नाम रखा गया था। निर्माण के बाद जेल अलीपुर में शिफ्ट हो गई। अब इसे पुरानी अलीपुर जेल के रूप में जाना जाता है। पूरी इमारत सफेद मकराना संगमरमर का उपयोग करके बनाई गई है। कुल मिलाकर ये इमारत ताजमहल से प्रेरित थी। मार्बल खोदने के लिए मार्टिन एंड कंपनी ने राजस्थान के मकराना में विशेष खदानें स्थापित की थी। अगर आप इसके सबसे ऊंचे गुंबद पर देखें तो आपको 16 फीट लंबा एक फरिश्ता दिखाई देगा, जिसे एंजल ऑफ विक्ट्री या विक्टोरिया मेमोरियल एंजल कहा जाता है। इसका वजन 3.5 टन से भी ज्यादा है। हवा चलने पर ये एंजल घूमता है। और अगर आप यहाँ की मेमोरियल गैलरी जाना चाहते हैं तो यहाँ 26 आर्ट गैलरी हैं, जहाँ 30,000 से ज्यादा कलाकृतियाँ हैं। इसमें एक रॉयल गैलरी है जिसमें महारानी विक्टोरिया और एल्बर्ट के कई चित्र के साथ साथ हथियार, महारानी विक्टोरिया की कुर्सी और डेस्क के साथ विलियम शेक्सपियर के कुछ दुर्लभ संस्करण भी देखने को मिलते हैं। ओल्ड ब्रिटिश राज की राजधानी रही कोलकाता में संगमरमर की एक विशाल और चमचमाती इमारत है जिसका नाम है विक्टोरिया मेमोरियल, जो कि एक मुगल स्मारक है और विक्टोरियन युग के समय को बताती है। सफेद मकराना संगमरमर में बनी इस इमारत को इंडो सैरसेनिक रिवाइवलिस्ट स्टाइल में डिजाइन किया गया है। इसकी संरचना ताजमहल जैसी दिखाई देती है, जिसके कारण इसे राज का ताज भी कहा जाता है। इसे भारत और यूनाइटेड किंगडम की महारानी विक्टोरिया के जीवन का जश्न मनाने के लिए बनाया गया था, जो उस समय ग्रेट ब्रिटेन की महारानी थी और भारत पर भी शासन किया था। कोलकाता में स्थित ये इमारत 100 साल से भी ज्यादा पुरानी है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज सफेद संगमरमर में मौजूद इस इमारत को कभी काला कर दिया गया था, जिसका कारण हम आपको बताने जा रहे हैं। साल 1943 में द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भले ही भारत सीधे तौर पर युद्ध का हिस्सा नहीं था, लेकिन जापानी वायुसेना ने कोलकाता पर बमबारी शुरू कर दी थी। दिसंबर 1942 में शहर में पहली बार बमबारी हुई। उस समय जापानी सेना हवाई हमले रात में किया करती थी, क्योंकि ब्रिटिश रक्षा प्रणाली दिन के समय ज्यादा ताकतवर हुआ करती थी। सेना की चपेट में आने से बचाने के लिए लोगों ने सब कुछ मोटे काले कागज से ढकना शुरू कर दिया। यहाँ तक कि स्ट्रीट लाइट, कार की हेडलाइट, खिड़कियों को भी काले रंग में रंग दिया गया था। यहाँ तक कि हावड़ा ब्रिज का उद्घाटन भी छुप छुपा कर किया गया था। अब चुनौती विक्टोरिया मेमोरियल को बचाने की थी। सफेद संगमरमर से बनी 184 फीट की ऊंचाई वाली इस सुंदर इमारत को कैसे बचाया जाए, इस पर काफी विचार किया गया। और फिर जापानी सेना के आक्रमण से छुपाने के लिए विक्टोरिया महल को मिट्टी और गोबर की मिश्रण की मदद से काला कर दिया गया। ब्रिटिश सरकार अपने इस खुफिया प्लान को किसी भी कीमत पर लीक नहीं करने देना चाहती थी। इसके लिए उन्होंने शहर के स्थलों के आसपास फोटोग्राफी पर रोक लगा दी। विक्टोरिया मेमोरियल बनने से पहले इस जगह पर प्रेसिडेंसी जेल बनी हुई थी। ये जेल वो जगह थी जहां ब्रिटिशर्स के राजनीतिक कैदियों को महामहिम की खुशी में रखा गया था। प्रेसिडेंसी जेल में बंद कुछ कैदियों के नाम श्री अरबिंदो
सुभाष चंद्र बोस थे। उनके नाम पर कोलकाता एयरपोर्ट का भी नाम रखा गया था। निर्माण के बाद जेल अलीपुर में शिफ्ट हो गई। अब इसे पुरानी अलीपुर जेल के रूप में जाना जाता है। पूरी इमारत सफेद मकराना संगमरमर का उपयोग करके बनाई गई है। कुल मिलाकर ये इमारत ताजमहल से प्रेरित थी। मार्बल खोदने के लिए मार्टिन एंड कंपनी ने राजस्थान के मकराना में विशेष खदानें स्थापित की थी। अगर आप इसके सबसे ऊंचे गुंबद पर देखें तो आपको 16 फीट लंबा एक फरिश्ता दिखाई देगा, जिसे एंजल ऑफ विक्ट्री या विक्टोरिया मेमोरियल एंजल कहा जाता है। इसका वजन 3.5 टन से भी ज्यादा है। हवा चलने पर ये एंजल घूमता है। और अगर आप यहाँ की मेमोरियल गैलरी जाना चाहते हैं तो यहाँ 26 आर्ट गैलरी हैं, जहाँ 30,000 से ज्यादा कलाकृतियाँ हैं। इसमें एक रॉयल गैलरी है जिसमें महारानी विक्टोरिया और एल्बर्ट के कई चित्र के साथ साथ हथियार, महारानी विक्टोरिया की कुर्सी और डेस्क के साथ विलियम शेक्सपियर के कुछ दुर्लभ संस्करण भी देखने को मिलते हैं।